and welcome back to my channel. I hope all of you are doing great. So I'm back with another haul video and this time it is Sarojini Nagar haul. तो इसमें क्या हुआ था, हमारी जो फ्लाइट थी वो हैदराबाद टू अहमदाबाद थी और उसमें बीच में दिल्ली हॉल्ट था और वो हॉल्ट 6 घंटे का था. सो आई वॉज लाइक दिल्ली हॉल्ट है तो फ़ायदा तो उठाना बनता है. सो मेरे पास सिर्फ 2 या 3 घंटे थे, उसमें मुझे पूरा मार्केट एक्सप्लोर करना था और शॉपिंग भी करनी थी. बट आई एज्ड इट क्योंकि मैंने ये सारी शॉपिंग 1.5 घंटे में फिनिश कर ली. मतलब आई वॉज लाइक ऑन माई टोज क्योंकि मुझे सारी जो भी मैंने शॉप्स लाइक नोट करके रखी थी, मुझे ये शॉप में जाना है. सो या आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो एंड आई एम श्योर यू लव इट. सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट. हाँ ये कर लो, पहले वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे जरूर लाइक करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्राउजर्स लेने, जितने हो इतने ट्राउजर्स ले लूँ मैं, क्योंकि सरोजनी नगर अगर आप देखने जाए ना तो आपको मतलब इतने ज़्यादा ट्राउजर्स मिल जाएंगे, लाइक कलर्ड पैंट्स मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी थी उनकी. सो आई पिक दिस 2 ट्राउजर्स फ्रॉम सेम शॉप क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और हर जगह मतलब फिक्स रेट जैसा ही था. तो ये जो सारे ट्राउजर्स थे ना वो 150 to 200 की रेंज में ही थे. तो मुझे ये जो कलर है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड इट इज़ सुपर हाई वेस्टेड और माई हाइट इज़ 5'8" और मुझे इसकी लेंथ एकदम परफेक्टली हो रही है. सो दैट्स आई वॉज लाइक वाओ, इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी अच्छी फिटिंग और वो भी सिर्फ 150 रुपीज़ में, इट्स लाइक अ स्टील डील. तो यहाँ पे आपको ऐसी बटन डिटेलिंग दिख जाएगी, साइड में इलास्टिक भी है. सो दिस इज द इलास्टिक पैटर्न. तो इससे जो फिटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. मुझे मेन तो इसका कलर पसंद आया था और इसका जो फ्लेयर है इट्स अमेजिंग, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है. और इसका जो मटेरियल है, कैन यू सी दिस मटेरियल, सुपर सॉफ्ट मटेरियल, तो समर्स के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है. आप चाहे तो इसे ऑफिस में पहन सकते हैं, इवन आप इसे ब्रंच डेट में या लंच के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसे पहन सकते हैं बिकॉज दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो सॉफ्ट एंड लव इट. तो ये था 150 का और दूसरा ये वाला ब्लैक ट्राउज़र था. तो उसमें बहुत सारे कलर्ड पैंट्स भी थे बट कलर्ड पैंट्स जो होते हैं उसको स्टाइल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और वो अभी ट्रेंड में है पर बहुत जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे. सो आई थॉट आई विल इन्वेस्ट इन दिस कलर जो मैं हर बार पहन सकूँ. सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द सेकेंड ट्राउजर एंड दिस इज़ लाइक एकदम डार्क ब्लैक कलर वन. तो इसमें भी आगे ऐसी बटन डिटेलिंग दी हुई है एंड दिस इज लाइक फुल लेंथ. तो ये थोड़ा नैरो बॉटम जाता है, नीचे इसका जो बॉटम है ऐसा है. मैंने फ्लैट पैंट्स नहीं लिए, मैंने थोड़ा नैरो बॉटम में ही लिया है क्योंकि फ्लैट पैंट्स लाइक हर जगह मिल जाते हैं. अगर मिंत्रा में देखने जाए, अजियो पे देखने जाए तो आपको मिल जाएंगे. सो आई थॉट आई इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ ट्राउजर्स जो मतलब बहुत ज़्यादा हम इजीली स्टाइल कर सकते हैं. सो इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो 150 ईच. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ माई फेवरेट एंड इट इज़ दिस हाई वेस्टेड डेनिम. तो मतलब मुझे डेनिम तो लेना ही था सरोजनी नगर से क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोज़ में मैं देख चुकी थी तो सरोजनी में ऐसे डेनिम्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं. सो आई वॉन्टेड टू बाई वन. सो दिस इज़ द डेनिम और इसका शॉप नंबर, मतलब सी आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली तो मुझे एक भी शॉप नंबर याद नहीं है बट मैंने 198 शॉप नंबर चेक की थी. उसमें डेनिम्स अच्छे अच्छे थे पर मुझे लाइक उससे अलावा मुझे ये डेनिम मिल गया था तो मैंने 198 में से कुछ भी शॉप नहीं किया था. बट दिस वॉज आई थिंक 155 शॉप नंबर. बट इसकी क्वालिटी सुपर थिक मटेरियल, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. स्ट्रेचेबल नहीं है बट लव द क्वालिटी ऑफ इट. तो ये पूरे में ऐसे पैटर्न लाइक इट्स ए स्ट्रेट फिट पैटर्न और यहाँ पे नी में कट दिया हुआ. एक्चुअली कट नहीं था तो वहाँ पे कोई लड़का बैठा था, वो बस ऐसे ही डेनिम्स को कट कर रहा था. सो आई वॉज लाइक मुझे भी कट करवाना है. सो मैंने यहाँ पे एक जगह पे कट करवाया और पहने से बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है. जस्ट लव द फिटिंग ऑफ इट. इसका जो एकदम परफेक्ट फिटिंग आ गया, मतलब सरोजनी में ये होता है कि हम लोग जो ट्राउजर्स है, जो टी शर्ट्स हैं हम लोग ट्राई नहीं करते बट ये वाली जो ट्रिक है वो लिटरली काम कर गई. तो मैं तो बस यही कर रही थी, जो भी ट्राउजर्स या जो भी डेनिम मिले बस मैं ऐसे करके इसका जो वेस्ट लाइन है वो मेजर कर लेती थी और लाइक सारे ट्राउजर्स मेरे अच्छे से मेरे प्रॉपर फिटिंग में आ गए हैं. सो लव द क्वालिटी ऑफ इट. तो अगर हम इसकी MRP की बात करें तो आई टोल्ड कि भाई 250 में दे दो. सो ही वॉज लाइक 250 ओके. मैंने बोला ये रिप पैटर्न के साथ बट ही टोल्ड के रिप पैटर्न का अलग से 50 रुपीज़ होगा. सो आई वॉज लाइक 300 में इतनी अच्छी क्वालिटी का डेनिम मिल रहा है सो वाई नॉट. तो आई पे 300 फॉर दिस वन.
सो दिस इज फ्रॉम लिवाइज ब्रांड, बट हाँ इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी। इवन इसका जो अगर हम बॉटम देखने जाए ना, उसमें भी ये वाले डिटेलिंग दी हुई है, मुझे ऐसी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो लव इट। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब अभी तो अहमदाबाद में भी हो गई है, बट वो टाइम जैसे ही हम दिल्ली में मार्केट में निकले, आई वॉज लाइक आज तो गए, क्योंकि आज तो हमारी स्किन डेफिनेटली टैन होने वाली है। बट लकीली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस सनस्क्रीन। सो दिस इज़ फ्रॉम लोटस ऑर्गेनिक्स प्लस, दिस इज़ देयर हाइड्रेटिंग जेल मिनरल सनस्क्रीन। तो इसके अंदर है SPF 30, एंड इसकी अगर हम बात करें देन इट इज़ जेल बेस्ड सनस्क्रीन। आई वॉज लाइक वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्किन बिल्कुल भी टैन नहीं हुई। और हाँ, गर्मी में जैसे हम कोई भी क्रीम या सनस्क्रीन या ऐसा कुछ भी लगाते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा मतलब वेट हो जाती है, पर इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये ईजिली हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अभी तो लिटरली मैं घर के अगर बाहर निकल रही हूँ, इवन मैं घर में भी मैंने एक सेट रूटीन बना दिया है कि ये सनस्क्रीन मुझे लगानी है। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं, देन आई हाईली रिकमेंड कि आप सनस्क्रीन लगा कर ही निकले, अदरवाइज आपके एक दिन में ही आपकी स्किन टैन हो जाने वाली है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस वन। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लोटस हर्बल्स जो 25 ईयर्स पुरानी ट्रस्टेड ब्रांड है, उन्हीं की सब ब्रांड है लोटस ऑर्गेनिक्स। तो अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये 100% नेचुरल होते हैं। इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल लाइक सिलिकॉन, पैराबेन कुछ भी नहीं होता। तो ये हमारी बॉडी और हमारी स्किन के लिए एकदम सेफ है। और अगर हम ये सनस्क्रीन की बात करें देन इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सनस्क्रीन इज के इसका जो टेक्सचर वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इतना ज़्यादा थिक नहीं है। इट्स अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन, तो आप जैसे ही लगाएंगे अपनी बॉडी पर ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको चिपचिपाहट नहीं लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ऐसी कोई क्रीम लगाई है। सो या इसकी वजह से ये बिल्कुल भी मतलब समर्स में क्या हो जाता है, हमारा जो पसीना होता है ना, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा चिपचिपाहट लगता है, पर ये क्रीम की वजह से बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लाइक मक्खन की तरह ग्लाइड हो जाता है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप वेयर। तो मुझे ये वाला जो टॉप है ना, मतलब हर शॉप में आपको ये मिल जाएगा। ऐसे टॉप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, मतलब सरोजनी में पूरे मार्केट में आपको ये मिल जाएंगे। सो आई जस्ट लव दिस डिटेलिंग, मतलब इसका जो फ्रंट पोर्शन है, तो ये बटन डिटेलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इवन यहाँ पे भी बस्ट रीजन में भी ऐसे जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इट्स सो क्यूट। इसकी जो स्लीव्स है, यू विल गेट दिस पफी स्लीव्स, और यहाँ पे आगे आपको ऐसे नॉट टाई करने के लिए स्ट्रिंग्स मिल जाती है। पहनने से बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें देन आई पेड ₹250 फॉर दिस टॉप। मतलब ये एकदम फ्रेश क्वालिटी है, जो सारे टॉप वेयर लिए है ना, वो सारे एकदम फ्रेश पीस थे। सो इसका जो कलर था एकदम समर अप्रोप्रिएट है, इट्स अ वाइट इन कलर, और अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स दिए हुए हैं, आई होप यू ऑल कैन सी। सो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो यस, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड आई जस्ट लव द पैटर्न ऑफ इट, तो बस मैंने इसलिए इसको ले लिया। टाई डाई टी शर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, और मैंने अभी तक एक भी टाई डाई टॉप या ट्राउजर ऐसा कुछ भी नहीं लिया था। सो आई वॉन्टेड टू बाय वन, बट आई एंड अप बाइंग टू टाई डाई टी शर्ट्स। सो फर्स्ट इज दिस ब्यूटिफुल ग्रे कलर, ग्रे एंड वाइट टाई डाई टी शर्ट। सो दिस इज अ क्रॉप टी शर्ट, और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें देन इट वॉज फॉर ओनली ₹150। और उसमें इनके पास मतलब बहुत सारे डिफरेंट शेड्स भी थे, इवन साइजेस भी अवेलेबल थी। सो 150 में आई फील इट्स अ स्टील लेल, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका जो मटेरियल है इट्स स्ट्रेचेबल मटेरियल, एंड इट्स सो सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट फॉर समर्स। तो एकदम बॉडी हगिंग है, पहनने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई एम थिंकिंग मैं इसे हाई वेस्टेड जीन्स के साथ स्टाइल करूँगी। आई थिंक जो ब्लैक ट्राउजर लिया है उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इवन अगर हम देखने जाए तो मिनी स्कर्ट्स के ऊपर भी ऐसी टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो या कांट वेट टू ट्राई दिस। सो नेक्स्ट इज दिस टी शर्ट। तो ये लाइक लॉन्ग टी शर्ट, इट्स नॉट अ क्रॉप टॉप, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो इसमें भी उनके पास बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, मतलब डार्क एकदम जो भड़कू कलर्स होते हैं ना, वैसे भी थे, बट मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। सो आई बॉट दिस वन, बट थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे टाइट है और इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर हम चाहें ना तो इसे इन करके ही पहन सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा टाइट है। तो अगर हम ऐसे ही बाहर रखेंगे ना टी शर्ट पूरा ऐसे बाहर रखेंगे, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग सकता। बट हाँ, इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल एकदम सॉफ्ट है, और ये भी मुझे 150 में ही पड़ी थी। सो ये आई एम फिगरिंग आउट कि मैं इसे कैसे स्टाइल करूँ, बट लव द क्वालिटी ऑफ इट। अगर ये थोड़ा लूज होता ना तो एकदम परफेक्ट हो जाता। सो द नेक्स्ट टॉप इज दिस ब्यूटिफुल ब्लू कलर क्रॉप टॉप। मुझे इसकी पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी लगी,
और ये भी मतलब मैंने बहुत सारी शॉप्स में देखे थे और इसमें बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस अवेलेबल थी, इवन डिफरेंट प्रिंट्स भी अवेलेबल थी, बट मुझे ये कलर और ये प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसमें ये पूरी फ्लोरल प्रिंट दी हुई है और यहाँ पे ये जो स्मोक्ड पैटर्न होती है ना, बस वैसी पैटर्न है। बाय द वे ये जो टॉप है इसमें सिर्फ एक ही साइज़ अवेलेबल थी और वो लोग कह रहे थे कि ये टिल 40 बस ये फिट हो जाएगा, बट मुझे ये एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है। सो इफ़ यू आर लाइक मीडियम या स्मॉल साइज देन यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ टॉप्स, अदरवाइज ये आपके ऊपर बहुत टाइट होगा। बट या आई एम हैप्पी विद दिस परचेज क्योंकि ये पहनने से बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। पीछे से आपको ये थ्रेड डिटेलिंग दी हुई है एंड इसकी जो स्लीव्स है आई जस्ट लव द स्लीव्स, ये बहुत लाइक एकदम परफेक्ट फॉर समर्स है। मैं ऑलरेडी इसे एक बार पहन चुकी हूँ, हम लोग अभी रिसॉर्ट गए थे वहाँ पे और मैंने इसे पेयर किया था वाइट शॉर्ट्स के साथ और बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था। सो दिस वेर द क्लोथिंग आइटम। एक्चुअली मुझे और थोड़ा एक्सप्लोर करना था, मुझे एसेसरीज देखनी थी, मुझे बैग्स देखने थे, फुटवेयर देखने थे, बट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं ये सब कुछ नहीं देख पाई। इवन मुझे ड्रेसेस भी इतने ज़्यादा नहीं दिखे थे, मतलब जो लोग दिल्ली के हैं, जो लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं उनको शायद पता होगा कि अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस कहाँ पे मिलते हैं, पर मुझे तो नहीं दिखे थे। बहुत एक या दो हार्डली शॉप्स थी जहाँ पे मुझे ड्रेसेस मिले। सो नेक्स्ट आई बॉट दिस टू एसेसरीज, मतलब दिस इज द बेल्ट। तो मुझे एक अच्छी क्वालिटी का बेल्ट चाहिए था, तो एक भैया थे, हम लोग बस निकलने ही वाले थे, तो उनके पास बहुत सारे बेल्ट थे एंड सडनली मेरी नज़र इसके ऊपर गई। तो मतलब आई वॉज लाइक ये बेल्ट एक तो गुची का मिल रहा है आपको, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फर्स्ट कॉपी, बट स्टिल मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड आई जस्ट लव बिकॉज ऑफ दिस ब्रोच। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इट वॉज फॉर ओनली ₹150, सो आई वॉज लाइक 150 में इतना अच्छा बेल्ट मिल रहा है तो लेना बनता है, क्योंकि ये ड्रेसेस के ऊपर अच्छा चल जाएगा, इवन आप चाहे तो इसे डेनिम्स के ऊपर भी पहन सकते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड लास्टली आई गॉट दिस बैंगल्स। तो मतलब ऐसी बैंगल्स अभी इंस्टाग्राम पे हर जगह पे इतनी ज़्यादा ट्रेंडी है, तो हम लोग बस कैब बुक कर रहे थे, हमारी कैब भी आ गई थी, बस उनके साथ बात कर रहे थे और वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, बस ऐसी सारी ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी और सब कुछ लेके बैठे थे। तो बस मैंने उनसे सिर्फ प्राइस पूछा तो शी टोल्ड 300 फॉर वन बैंगल। सो आई वॉज लाइक नहीं चाहिए, 300 इज़ टू मच, और शी टोल्ड किया चलो ठीक है बोनी का टाइम है ले लीजिए। सो आई गॉट दिस टू बैंगल्स फॉर ओनली ₹150। तो 150 मुझे दो बैंगल्स मिल गई। तो इसमें दो तीन पैटर्न्स थी, बड़े डोम वाली भी पैटर्न थी, बट मुझे ये वाली पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये छोटे डोम्स में और ऐसी जो घुंघरू वाली पैटर्न है ना, सो इट्स वेरी क्यूट। सो लेट मी जस्ट शो, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो हम चाहे तो दोनों इसके साथ में भी पहन सकते हैं, या आप कुर्तीज़ के साथ स्टाइल करें, इवन नवरात्र में भी आप इसे पहन सकते हैं।